दोस्तों हम अब आपको सरकारी अस्पताल की और पूरे गंगापुर की हालात दिखा रहे हैं। जगह जगह इस टाइम कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दो दिन से ये कचरा नहीं उठा हुआ है। अस्पताल रोड है दोस्तों ये, और लोग बाग यहाँ पर स्वस्थ होने के लिए आते हैं। क्या हालत हो रही है, दो दिन से कचरा नहीं उठा है। आइए मालूम करते हैं यहाँ के जमादार जी से क्या कारण है। जमादार जी क्या कारण है ये कचरा नहीं उठा दो दिन से? ये संविदा पे जो कर्मचारी लगा रखे ठेके पे, वो उन्होंने पैसे बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रखी है, तो वो दो दिन से कचरा नहीं उठने दे रहे। तो इसमें संविदा पे जो कर्मचारी लग रहे अपने ऑटो टीपर वाले, ट्रैक्टर ड्राइवर है और अपने जेसीबी वाले, कचरे उठाने वाले और सारे संसाधन वाले बंद पड़े हुए सारे संसाधन, और सिर्फ लोग कचरा डाल के रोड पर डाल रही है। कचरा बराबर आ रहा है, अपने सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, वो कचरा ला के यही इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने संसाधन न होने के कारण दो दिन से कचरा नहीं उठ रहा। देख रहे दोस्तों ये अस्पताल रोड है, दो दिन से कचरा नहीं उठ रहा है, और ये अस्पताल रोड है। लोग बाग यहाँ पर मरीज दवा लेने के लिए आते हैं, और क्या हालत है, बस से बदतर। और ये आवारा सुअरों को भी देख सकते हो कितना यहाँ पर आतंक है। पूरी रोड पर चारों तरफ कचरा ही कचरा फैल रहा है, और ये अस्पताल की दवा देख सकते हो इसी कचरे के अंदर दवाई सीरीज इंजेक्शन सब पड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर गंगापुर सिटी इस टाइम कचरा का ढेर बना हुआ है दोस्तों, दो दिन से कचरा नहीं उठ पा रहा है। दोस्तों ये अस्पताल रोड गंगापुर सिटी की क्या हालत है, बस से बदतर हालत होते जा रहे हैं। संविदा कर्मियों के दो दिन से हड़ताल से चलते दोस्तों ये कचरे का ढेर बना हुआ है पूरा गंगापुर सिटी, और जगह जगह इसी तरह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कचरा पॉइंटे से कचरा नहीं उठ रहा है, और देख रहे हैं दोस्तों ये अस्पताल का कचरा, जो अस्पताल का कचरा भी यहीं डाला जा रहा है। ये अस्पताल रोड है और कचरे का ढेर बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर।